वेलकम एवरीवन ऑन मोटिवेशन फैक्ट्री यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल शर्मा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एट आर्मी हेडक्वार्टर्स, सेलेक्टेड थ्रू CGL 19। सबसे पहले मैं मोटिवेशन फैक्ट्री यूट्यूब चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक वाइडर ऑडियंस तक पहुँचने में मुझे मदद की। आज इस वीडियो में मैं अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताऊँगा, किस प्रकार से मैंने 20 साल की उम्र में एग्ज़ाम देकर फर्स्ट अटेम्प्ट में SSC CGL की अपनी मनपसंद पोस्ट को हासिल किया। मैं अपनी कंप्लीट बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बता देता हूं, जिससे आप मेरे से कनेक्ट कर पाओ। मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं चूरू राजस्थान के एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी कम्प्लीट पढ़ाई हिंदी मीडियम से की है। 10th तक मैंने अपने गाँव के स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद में 11th-12th में मैंने साइंस ली और बाहर सिटी में जाकर पढ़ाई की, तारानगर में। इसके बाद में मैंने जयपुर से पढ़ाई की, अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और BSc मैंने मैथ से की। इसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में SSC CGL की तैयारी शुरू की और 5-6 महीने की तैयारी के बाद में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के तुरंत बाद में ही मेरा एग्ज़ाम था। अब इसमें मैं काफ़ी लकी रहा, क्योंकि SSC CGL में आपकी एज काफ़ी पोस्ट में 20 ईयर्स मांगते हैं, तो उस समय मेरी जो एज थी वो पूरी 20 साल की हुई थी। अगर थोड़ा सा भी पहले नोटिफिकेशन आ जाता CGL का तो मैं इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ही नहीं होता, तो इसमें मैं काफ़ी लकी रहा। अब ये जो जर्नी है वो इतनी भी आसान नहीं रही जितनी आपको लग रही है, क्योंकि SSC है वो एक रोलर कोस्टर राइड है। इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे आपकी ज़िंदगी में अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो। तो मेरे साथ भी ऐसे फेजेज आए थे जहाँ पर मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गया था, लेकिन मैंने अपने आप को किस प्रकार से मोटिवेट किया वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप डीमोटिवेट फील करो, जब भी आप डिप्रेस्ड फील करो, तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अपने चाहने वालों के बारे में सोचो, वो आपको कैसा बनता हुआ देखना चाहते हैं उनके बारे में सोचो। फिर भी आपको अगर डीमोटिवेशन लग रहा हो तो आप ये सोचो कि अगर आपको कोई पोस्ट नहीं मिली तो आपका क्या होगा, तो आप अनएम्प्लॉयड रह जाओगे और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, वो सोचो, तब आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए अब मैं आपको अपनी बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी के बारे में बताता हूँ एक एक करके। देखिए, आपको पता है कि SSC का एग्ज़ाम है वो 4 टीयर्स में होता है। सबसे पहले Tier 1, जिसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और GK पूछी जाती है। इसके बाद में Tier 2, जिसमें केवल इंग्लिश और मैथमेटिक्स पूछी जाती है। और Tier 3 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपको एक लेटर और एक ऐसे लिखना पड़ता है। और Tier 4 में आपको टाइपिंग करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी पोस्ट के लिए होती है और काफ़ी के लिए नहीं भी होती। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एक करके GK, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ सबके लिए आपको कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए जिससे आपका बेस्ट आउटपुट निकल सके। देखिए, सबसे पहले हम जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, कम किताबें हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले GK में देखो, आपको ल्यूसेंट GK नाम से एक बुक आती है, वो तो पढ़नी पड़ेगी। इसमें काफ़ी सारे फैक्ट आपको दिए हुए हैं। ये किताब आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन आपको ये पढ़नी ही पड़ेगी, ल्यूसेंट GK। इसका एक अल्टरनेटिव भी है, अरिहंत GK। आप दोनों में से एक पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादातर बच्चे हैं वो ल्यूसेंट को प्रीफर करते हैं, और मैं भी आपको इसी की एडवाइस देता हूँ। इसके बाद में देखो, ये करने के बाद में आपको SSC में एक बात ध्यान रखनी है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो SSC में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करने पड़ेंगे, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रीवियस ईयर आते हैं, किसी में कम। तो जो GK है उसमें लगभग 30-40% प्रीवियस ईयर के आते हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको एक बुक पढ़नी है, किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक। इसमें आपको लगभग 30-40% जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के, वो कवर हो जाएंगे अच्छे से। चलिए, ये हो गया GK। इसके बाद में हम चलते हैं मैथमेटिक्स पर। अब मैथ में आपको क्या करना है, देखो इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसमें लगभग आप मान सकते हो कि 60% जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के आते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के फ़ायदे क्या हैं। आप वैसे भी तो कर सकते हो, अगर आपका पढ़ा हुआ होगा तो आराम से आप कर सकते हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा होगा तो भी। लेकिन अगर पढ़ रखा होगा तो आप जल्दी कर लोगे उनको, सेकेंड्स में आप आंसर निकाल लोगे, क्योंकि आपके वो ज़्यादा बार पढ़े हुए होंगे। और
और जो हार्ड क्वेश्चन है उसमें आप ज़्यादा टाइम लगा सकोगे अगर आपके प्रीवियस ईयर है वो अच्छे से तैयार होंगे। किरण पब्लिकेशन की एक प्रीवियस ईयर की बुक आती है, वह है तो बहुत मोटी है लेकिन आपको पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले जब आप इसको पढ़ो तो बिल्कुल भी आपको मार्क नहीं करना है, पहले आप जो भी क्वेश्चन है उनको करते जाइए बिल्कुल आराम से पेशेंस के साथ। इसके बाद में जब आप सेकेंड टाइम करो ना तो आप मार्क लगाते रहो, सर्कल लगाते रहो जो भी क्वेश्चन आपको करने में दिक्कत आ रही है, और थर्ड टाइम जब आप कर रहे हो तो केवल मार्क वाले क्वेश्चन ही आपको करने होंगे। इस प्रकार से आप इस बुक को आराम से निपटा सकते हो। और अगर आपको डिटेल में देखना है कि इन बुक्स को कैसे पढ़ना है तो मैंने अपने चैनल पर बता रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। इसके बाद में देखिए, प्रीवियस ईयर करने के बाद में आपको पढ़नी है राकेश यादव की क्लास नोट्स, राकेश यादव का क्लास नोट्स पढ़ना है। यहाँ से आपके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी हो जाएगी। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको इसमें दे रखे हैं। पहले आपको प्रीवियस ईयर वाली बुक करनी है, फिर राकेश यादव क्लास नोट्स वाली बुक करनी है। अब देखिए, मैथ में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक अरिथमेटिक के और एडवांस के। अरिथमेटिक तो आपकी इनसे कवर हो जाएगी और एडवांस भी कवर हो जाएगी वैसे, लेकिन अगर फिर भी आपको एडवांस में दिक्कत आ रही है जैसे मुझे आती थी, तो मैंने राकेश यादव एडवांस मैथ्स ये बुक भी मैं लेकर आया था। इससे मुझे काफ़ी मदद मिली एडवांस के क्वेश्चंस करने में, क्योंकि एडवांस का जो वेटेज है वो एसएससी में बहुत ज़्यादा है। इसके बाद में हम चलते हैं इंग्लिश की बुक्स पे। तो सबसे पहले देखो, इंग्लिश में आपको एक बुक तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। सारे बच्चे जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है लगभग बच्चों के पास ये बुक आपको मिलेगी, और वो है नीतू सिंह की प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम वन। ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी है, इसमें से जो भी है वो आपको पढ़ना है। देखिए, इंग्लिश में तीन चीज़ें होती है, एक वोकैब, एक कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। तो आपकी जो ग्रामर और वोकैब है वो लगभग लगभग इससे कवर हो जाएगी। ये बुक आपको कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर लगानी है अगर आपके पास टाइम है। इसके बाद में देखिए, अगर आपको वोकैब में दिक्कत आ रही है तो वोकैब के लिए बेस्ट बुक है एसपी बक्सी। इसमें से आपको केवल वोकैब करनी है और कुछ नहीं करना, इसके अलावा जो भी है वो आपको छोड़ना है, देखना भी नहीं है, केवल वोकैब करनी है। इसके बाद में देखिए, अगर आपको विशेष ग्रामर में दिक्कत आ रही है ना, जैसे मुझे ग्रामर में बहुत दिक्कत आती थी, जो फाइंड द एरर वाले क्वेश्चंस होते थे उसमें बहुत ज़्यादा मेरे क्वेश्चन गलत होते थे, वहीं पर क्वेश्चन गलत होते थे, और ये बुक पढ़ने के बाद में वो क्वेश्चन मेरे सही होना स्टार्ट हो गए। ये बुक है ए मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये बुक आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। सारे ग्रामर के रूल्स को बिल्कुल आसान भाषा में इसने समझा रखा है। इसके बाद में देखिए, अब बारी आती है कि प्रैक्टिस आप कैसे करोगे इंग्लिश की। तो उसके लिए दो बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, एक तो किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बुक और एक एसपी ये एमबी पब्लिकेशन की बुक। अब दोनों में अंतर क्या है, देखो इसमें किरण में तो आपको टाइप वाइज मिलेंगे सारे क्वेश्चन, जैसे एरर वाले अलग मिल गए, सेंटेंस अरेंजमेंट वाले सारे क्वेश्चन अलग मिल गए, इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। और एमबी पब्लिकेशन में आपको ईयर वाइज मिलेंगे कि 2013 के अलग क्वेश्चन मिल गए, 14 में आए हुए अलग क्वेश्चन मिल गए। तो अगर आप तैयारी अपनी शुरू कर रहे हो, बिगिनर लेवल पे हो, तब आपको किरण पब्लिकेशन पढ़नी चाहिए, और अगर आप प्रो लेवल पे पहुंच गए हो, बहुत ज़्यादा आपने पढ़ लिया है, तो आप पढ़ सकते हो एमबी पब्लिकेशन। मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप किरण से स्टार्ट कीजिए। इसके बाद में आगे चलते हैं, देखो अब फिर भी आपको अगर वोकैब में दिक्कत आ रही है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इनको याद करें कैसे, तो उसका तरीका आपको इस बुक से मिलेगा, वर्ड पावर मैडीजी। बहुत ही अच्छे शब्दों में, आसान शब्दों में आपको बताया हुआ है कि आपको वोकैब कैसे याद करनी चाहिए। आपको वोकैब सीखने भी मिलेगी इसमें, और साथ में ये भी सीखने को मिलेगा कि कैसे वोकैब को सीखें। तो वर्ड पावर मैडीजी आप ले सकते हो और इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है। इसके बाद में बारी आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर करने पड़ेंगे। रीजनिंग में क्या है कि ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, मैक्सिमम आपको पूरे दिन में आधा घंटा रीजनिंग को देना है। क्योंकि आजकल क्या है कि पहले बहुत आसान रीजनिंग आती थी, अब भी आसान आ रही है, मैक्सिमम रीजनिंग आसान आ रही है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आ रहे हैं जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, और वो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के और नंबर सीरीज़ के। तो उन क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और आप कर सकते हो किरण की प्रीवियस ईयर की बुक, इससे मैक्सिमम आपके सारे क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे, और ज़्यादा टाइम आपको देने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब बारी आती है, ये हमने कर लिया टीयर 1 और टीयर 2। अब टीयर 3 जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपको एक लेटर लिखना है और एक लिखना है एसे, साथ में प्रेसी भी आ सकता है, प्रेसी राइटिंग, जिसमें आपको बड़े पेसेज को छोटा करना होता है, वो भी आ सकता है।
देखिए लेटर राइटिंग में आपको क्या करना है, एस सी गुप्ता की एक बुक आती है, एस सी गुप्ता अरिहंत की बुक, इससे आपको लेटर सारे समझ में आ जाएंगे किस प्रकार से आपको लेटर लिखना है। इसके बाद में एक अरिहंत की ही बुक आती है, एस सी गुप्ता की 151 essay नाम से एक बुक आती है, इसमें आपको अच्छे अच्छे जितने भी ऐसे हैं वो सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप टीयर 3 की भी तैयारी कर सकते हो। टीयर 4 है टाइपिंग, तो वहाँ तक जब आप पहुँचोगे तो मैं आपको टाइपिंग के फ्री सॉफ्टवेयर भी बता दूंगा। इसके अलावा अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी, और यूट्यूब चैनल की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुँच सकते हो। और अगर अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने सभी कुछ SSC के बारे में सब कुछ मैंने बता रखा है कि आपको कैसे CGL की तैयारी करनी चाहिए। साथ ही साथ हम वहाँ पर इंटरव्यू वीडियोस भी लाते रहते हैं, SSC, बैंक, रेलवे के बारे में काफ़ी इंटरव्यू वीडियोस वहाँ पर आने वाले हैं, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।